हर बार सावन महीने की शिवरात्रि पर लाखों की संख्या में शिव भक्त पानीपत से गुजरते हैं। कांवड़ यात्रा में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पानीपत पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है, लेकिन अब की बार पानीपत पुलिस द्वारा कांवड़ लाने वालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित हो सके, जिसके तहत अब की बार कांवड़ यात्रा में न तो ज्यादा ऊंचाई वाला वाहन ले जाया जा सकता है और न ही कोई भी भक्त अपने साथ किसी प्रकार की लाठे डंडे या हथियार रख सकता है। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि डाक कांवड़ में दुर्घटना की संभावना रहती है, अब की बार कोई भी कांवड़ या बाइक का साइलेंसर उतार कर ऊंची आवाज में दौड़ा नहीं पाएगा। इनमें से कोई भी नियम अगर कोई तोड़ता है तो पुलिस विभाग कार्यवाही करेगा। वहीं अब की बार डीएसपी हेडक्वार्टर ने लोगों से अपील की है कि कांवड़ पर जाने से पहले थाने में अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर जाएं, भक्तों की यात्रा सुरक्षित हो इसलिए पानीपत पुलिस भी घर घर जाकर लोगों को नियमों के बारे में बता रही है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हर साल पिछला जो आंकड़ा हमने देखा था हरिद्वार का, तो 2.5 करोड़ वहाँ पर श्रद्धालु गए थे पूरे देश से, और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा 37% हरियाणा से श्रद्धालु जो गए हुए थे वो थे। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर व्यवस्था हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमने कुछ हिदायतें निकाली हैं जो SHO की जिम्मेवारी लगाई है कि वो गांव-गांव जाके और सभी जो श्रद्धालु हरिद्वार जाने वाले हैं कांवड़ मेले में वो जाके गांव-गांव तक पहुँचाएँ, हर श्रद्धालु तक ये हिदायतें पहुँचाएँ। मुख्य मुख्य मैं बताना चाहूँगा कि उसमें एक तो ये है कि कोई जैसे जुगाड़ वाहन होते हैं वो ऊँचे ऊँचे उसमें ऊपर DJ वगैरह लगा के वो चलते हैं, वो अलाउड नहीं है, उनको ना जाने दिया जाए। दूसरा, जो भी कांवड़िया जाए वो कंसर्न्ड थाना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के जाएगा। ये हिदायतें हमने जन जन तक पहुँचाई हैं और आपके माध्यम से भी मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी कांवड़िया जाए वो अपने कंसर्न थाना में वो रजिस्ट्रेशन करा के जाए, अपना संपर्क सूत्र दे के जाए, ताकि एक का वो उसकी खुद की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। दूसरा, कुछ लोग आपने देखा होगा डंडे वगैरह लेके जाते हैं, वो हम बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे। कोई ऐसी इस तरह की वस्तु जिसको हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सके वो बिल्कुल नहीं ले जाया जाएगा। तीसरा, कुछ लोग बच्चे जो है ना मोटरसाइकिल्स के साइलेंसर वगैरह निकाल के और हुड़दंगबाजी करते हुए जाते हैं, उनको बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाएगा। जो साइलेंसर निकाल के जाएंगे वो सख्त हिदायत अपने ऐसे चोज को दी है, और इसके अलावा बहुत सारी और भी हिदायतें हैं जो मुख्य मुख्य मैंने बताई। तो और हम जितने ट्रैक में हमारे ज़िले में भीड़ रहती है उसमें पुलिस की प्रॉपर व्यवस्था करेंगे। 5-5 किलोमीटर का पैच हम एक इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी लगाएंगे, उसको फोर्स देंगे ताकि उस 5 किलोमीटर के पैच को वो अच्छे से संभाल सके, कोई भी इसमें किसी को रुकावट पैदा ना हो। दूसरा, कुछ इस समय में कुछ इशू बन जाते हैं जैसे मीट वगैरह का की शिकायतें होती हैं, उनको भी ऐसे चोज को हमने हिदायत दी है कि कोई भी ऐसे उनके नोटिस में है तो तुरंत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। इस तरह की बातों को लेकर कोई व्यवधान कांवड़ यात्रा में नहीं आना चाहिए।